हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीएम। अगर आप सुपर टेट, एसएससी, बैंक, रेलवे या फिर अन्य किसी सरकारी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम अप्रैल महीने की 100 सर्वश्रेष्ठ क्वेश्चन को तैयार किया है, जिसमें आपको 100 सर्वश्रेष्ठ क्वेश्चन मिलेंगे जो कि करंट अफेयर्स के होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मोदी किचन की शुरुआत हुई है? फर्स्ट ऑप्शन है गुजरात, सेकंड है मध्य प्रदेश और थर्ड है तमिलनाडु और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु में मोदी किचन की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किसने क्वारंटाइन मोबाइल ऐप को विकसित किया है? फर्स्ट ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, सेकंड ऑप्शन है आईआईटी मद्रास, थर्ड ऑप्शन है आईआईएससी बेंगलोर और फोर्थ ऑप्शन है आईआईटी बॉम्बे। तो इसका आंसर होगा आईआईटी बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में आपातकालीन निकासी बैग का निर्माण किसने शुरू किया है? फर्स्ट ऑप्शन है इसरो, सेकंड ऑप्शन है डीआरडीओ, थर्ड ऑप्शन है स्वास्थ्य मंत्रालय और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा डीआरडीओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई पास जारी करने के लिए प्रज्ञाम मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है झारखंड, सेकंड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है हरियाणा और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन पर स्थापित किए हैं? फर्स्ट ऑप्शन है हरियाणा, सेकंड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किसने भारत में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, सेकंड ऑप्शन है एडीबी और थर्ड ऑप्शन है डब्ल्यूएचओ और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, एडीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में कोरोना वायरस के कारण किस देश के हास्य अभिनेता केन सिमुरा का निधन हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, सेकंड ऑप्शन है इटली, थर्ड ऑप्शन है जापान और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने राजकोप सिटीजन सर्विस लॉन्च किया है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है गुजरात, सेकंड ऑप्शन है राजस्थान, थर्ड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो का कार्यकाल कितने साल तक बढ़ाया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है 4, सेकंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है 3 और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किसने कम लागत वाले पोर्टेबल वेंटिलेटर को विकसित किया है? फर्स्ट ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, सेकंड ऑप्शन है आईआईटी कानपुर, थर्ड ऑप्शन है आईआईएससी बेंगलोर और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में चीन में कोविड-19 के इलाज के लिए किस जानवर के पीत की सिफारिश की है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है घड़ियाल, सेकंड ऑप्शन है हिरण, थर्ड ऑप्शन है भालू और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, भालू। चीन ने भालू के पीत की सिफारिश की है कोविड-19 के इलाज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत सरकार ने कौन सा कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है? इसका आंसर है बी। ये सबको पता है और ये सबके मोबाइल में भी इंस्टॉल होगा। आरोग्य सेतु ऐप जो कि भारत सरकार ने कोरोना वायरस को ट्रैक करने के लिए लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने भारत के इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्रोजेक्ट के लिए कितने बिलियन डॉलर की पेशकश की है? फर्स्ट ऑप्शन है 4 बिलियन डॉलर, सेकंड ऑप्शन है 7 बिलियन डॉलर, थर्ड ऑप्शन है 5 बिलियन डॉलर और फोर्थ ऑप्शन है 1 बिलियन डॉलर। तो इसका आंसर होगा फोर्थ, 1 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रिटायर होने वाले सभी डॉक्टर्स की सेवा विस्तार करने का फैसला लिया है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है राजस्थान, सेकंड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है हरियाणा और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, राजस्थान। राजस्थान ने सभी डॉक्टर्स की सेवा का विस्तार करने का फैसला लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता फिलिप एंडरसन का निधन हुआ है, वो किस देश के नागरिक थे? फर्स्ट ऑप्शन है चीन, सेकंड ऑप्शन है अमेरिका, थर्ड ऑप्शन है इटली और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में न्यायमूर्ति राजेश ओसवाल किस राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने हैं? फर्स्ट ऑप्शन है ए केरल, सेकंड ऑप्शन है ओडिशा, थर्ड ऑप्शन है जम्मू कश्मीर और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी रिक्शा चालकों को 5,000 रुपये देने की घोषणा की है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है ए हरियाणा, सेकंड ऑप्शन है राजस्थान, थर्ड ऑप्शन है दिल्ली और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दिल्ली, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारत ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में किस देश को 6.2 टन दवाओं की आपूर्ति किया है? फर्स्ट ऑप्शन है बांग्लादेश, सेकंड ऑप्शन है श्रीलंका, थर्ड ऑप्शन है म्यांमार और फोर्थ ऑप्शन है मालदीव। तो इसका राइट आंसर है मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने कोरोना प्रबंधन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार करने की घोषणा की है? फर्स्ट ऑप्शन है अमेरिका, सेकंड ऑप्शन है बांग्लादेश और थर्ड ऑप्शन है इटली और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, बांग्लादेश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है 3 अप्रैल, सेकंड 2 अप्रैल और फोर्थ
सॉरी थर्ड ऑप्शन है 4 अप्रैल और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने किस मिशन की घोषणा की है। फर्स्ट ऑप्शन है सन गियर, सेकेंड ऑप्शन है सनराइज, थर्ड ऑप्शन है सन ट्रैक और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी सनराइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किसने कम लागत वाले फेस शील्ड को विकसित किया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है IIT मद्रास, सेकेंड ऑप्शन है IISc बेंगलोर, थर्ड ऑप्शन है IIT दिल्ली, फोर्थ ऑप्शन है IIT रुड़की। तो इसका आंसर होगा फोर्थ IIT रुड़की। IIT रुड़की ने कम लागत वाले फेस शील्ड को विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी में 100 से अधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर पहुंचा है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है सोहेल अब्बास, सेकंड ऑप्शन है टेलर हाल, थर्ड ऑप्शन है नाथन मैकन और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए सोहेल अब्बास। हॉकी में 100 से अधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में शीर्ष पर पहुंचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है 5 अप्रैल, सेकंड ऑप्शन है 4 अप्रैल, थर्ड ऑप्शन है 3 अप्रैल और फोर्थ ऑप्शन है 2 अप्रैल। तो इसका आंसर होगा 5 अप्रैल, क्योंकि 5 अप्रैल को समुद्री दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किसने MHRD AICTE COVID-19 स्टूडेंट हेल्पलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। फर्स्ट ऑप्शन है AICTE, सेकंड ऑप्शन है CBSE, थर्ड ऑप्शन है IGNOU एंड फोर्थ ऑप्शन है NCERT। तो इसका आंसर होगा AICTE। और इस क्वेश्चन में एक हिंट भी दिया हुआ था, इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर टाइप हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस कंपनी ने COVID-19 से संबंधित जानकारी के लिए वैटसन असिस्टेंट फॉर सिटीजन लॉन्च किया है। फर्स्ट है गूगल, सेकंड है IBM, थर्ड है फेसबुक, फोर्थ है व्हाट्सएप। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में IISc बेंगलुरु ने किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्वदेशी वेंटिलेटर विकसित किया है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है प्रोजेक्ट कोविड, सेकंड ऑप्शन है प्रोजेक्ट वेंटिलेटर, थर्ड ऑप्शन है प्रोजेक्ट प्राण और फोर्थ ऑप्शन है प्रोजेक्ट स्वास्थ्य। तो इसका आंसर होगा सी प्रोजेक्ट प्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है। तो इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन दिया है 6 अप्रैल, सेकंड ऑप्शन है 5 अप्रैल, फोर्थ ऑप्शन है 3 अप्रैल और थर्ड ऑप्शन है 4 अप्रैल। तो इसका आंसर होगा ए 6 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस बैंक को सरकार ने PM केयर्स फंड में दान की गई राशि को एकत्र करने के लिए नामित किया गया है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है UCO बैंक, सेकंड ऑप्शन है इंडियन ओवरसीज बैंक, थर्ड ऑप्शन है PNB बैंक और फोर्थ ऑप्शन है बंधन बैंक। तो इसका आंसर होगा इंडियन ओवरसीज बैंक। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन।
लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नासा ने 2024 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहला मानव आधार शिविर स्थापित करने के लिए किस योजना का अनावरण किया है? फर्स्ट ऑप्शन है आर्टेमिस, सेकंड ऑप्शन है प्रोजेक्ट कॉन्स्टेलेशन, थर्ड ऑप्शन है स्पेस शटल और फोर्थ ऑप्शन है स्काईलैब। तो इसका आंसर होगा ए, आर्टेमिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगरोधक यानी क्वारंटीन का उल्लंघन करने वालों का पता लगाने के लिए जियो फेसिंग ऐप का प्रयोग करने वाला पहला राज्य कौन था? ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है पंजाब, सेकंड ऑप्शन है केरल, थर्ड ऑप्शन है बिहार, फोर्थ ऑप्शन है त्रिपुरा। तो इसका आंसर होगा बी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस शहर के चिड़ियाघर में एक बाघिन को कोविड 19 पॉजिटिव पाया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है बीजिंग, सेकंड ऑप्शन है नई दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है न्यूयॉर्क और फोर्थ ऑप्शन है लंदन। तो इसका आंसर होगा सी, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किसे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है अनुराग श्रीवास्तव, सेकंड ऑप्शन है प्रवीण राव, थर्ड ऑप्शन है राकेश मखीजा, फोर्थ ऑप्शन है उमाकांत जोशी। तो इसका आंसर होगा ए, अनुराग श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोविड 19 महामारी के कारण ISSF विश्व कप 2020 रद्द कर दिया गया है और इसका आयोजन कहाँ होना था? फर्स्ट ऑप्शन है नई दिल्ली, सेकंड ऑप्शन है पेरिस, थर्ड ऑप्शन है लंदन, फोर्थ ऑप्शन न्यूयॉर्क। तो इसका आंसर होगा ए, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, DRDO ने किस शहर में फुल बॉडी सैनिटाइजिंग रूम डिजाइन किया है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है देहरादून, सेकेंड ऑप्शन है भोपाल, थर्ड ऑप्शन है अहमदनगर, फोर्थ ऑप्शन है जम्मू। तो इसका आंसर होगा सी, अहमदनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को 1,000 रुपये देने की घोषणा की है? फर्स्ट ऑप्शन है केरल, सेकंड ऑप्शन है पंजाब, थर्ड ऑप्शन है बिहार और फोर्थ ऑप्शन है राजस्थान। तो इसका आंसर होगा सी, बिहार राज्य के सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को 1,000 रुपये देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, IAS एसोसिएशन ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किस पहल की शुरुआत की? इसका फर्स्ट ऑप्शन है करुणा, सेकंड ऑप्शन है कोरोना कवच, थर्ड ऑप्शन है कोरोना और फोर्थ ऑप्शन है कोरोना वाच। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, करुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सांसदों के वेतन में 1 वर्ष तक कितने प्रतिशत की कटौती करने की घोषणा की है? फर्स्ट ऑप्शन है 10%, सेकंड ऑप्शन है 20%, थर्ड ऑप्शन है 40%, फोर्थ ऑप्शन है 30%। तो इसका आंसर होगा सी, 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, UN ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है? फर्स्ट ऑप्शन है 4.8%, सेकंड ऑप्शन है 3.5%, थर्ड ऑप्शन है 5.4% और फोर्थ ऑप्शन है 2.9%। तो इसका आंसर होगा ए, 4.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाने वाला पहला राज्य कौन बना है? फर्स्ट ऑप्शन है कर्नाटक, सेकंड ऑप्शन है मणिपुर, थर्ड ऑप्शन है ओडिशा और फोर्थ ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर होगा ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य सरकार ने कोविड 19 का मुकाबला करने के लिए कोविड केयर ऐप लॉन्च किया है? फर्स्ट ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है हरियाणा, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान, फोर्थ ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर होगा ए, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर अभियान किसने शुरू किया? इसका फर्स्ट ऑप्शन है PNB, सेकंड ऑप्शन है SBI, थर्ड ऑप्शन है RBI और फोर्थ ऑप्शन है BOI।
तो इसका आंसर होगा सी, RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोरोना वायरस के कारण आपातकाल लगाने वाला पहला देश कौन बना है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है ए जापान, सेकंड ऑप्शन है ब्रिटेन, और थर्ड ऑप्शन है पाकिस्तान, और फोर्थ ऑप्शन है भारत। तो इसका आंसर होगा ए जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस आप ई कॉमर्स कंपनी ने अपने कर्मचारियों को COVID-19 परीक्षण करने के लिए प्रयोगशाला बनाने की घोषणा की है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है ए मिंत्रा, सेकंड ऑप्शन है फ्लिपकार्ट, थर्ड ऑप्शन है अमेजोन, और फोर्थ ऑप्शन है स्नैपडील। तो इसका आंसर होगा सी अमेजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहाँ की सरकार ने COVID-19 के लिए नदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है नई दिल्ली, सेकंड ऑप्शन है राजस्थान, थर्ड ऑप्शन है पंजाब, फोर्थ ऑप्शन है पुडुचेरी। तो इसका आंसर होगा डी पुडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में विश्व कला दिवस कब मनाया गया है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है 13 अप्रैल, सेकंड ऑप्शन है 15 अप्रैल, थर्ड ऑप्शन है 14 अप्रैल, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 15 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किसने COVID-19 के इलाज के लिए वैक्सीन का मानव परीक्षण को मंजूरी दे दी है? फर्स्ट ऑप्शन है अमेरिका, सेकंड ऑप्शन है इटली, थर्ड ऑप्शन है चीन, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 8,000 गांवों में डोर टू डोर स्क्रीनिंग करने की घोषणा की है? फर्स्ट ऑप्शन है पंजाब, सेकंड ऑप्शन है बिहार, थर्ड ऑप्शन है महाराष्ट्र, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारतीय रेल परिवहन दिवस कब मनाया गया है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है 14 अप्रैल, सेकंड ऑप्शन है 16 अप्रैल, थर्ड ऑप्शन है 13 अप्रैल, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी 16 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस बैंक ने ATM लेन देन पर लगने वाले सेवा शुल्क को बंद कर दिया है? फर्स्ट ऑप्शन है SBI, सेकंड ऑप्शन है सेंट्रल बैंक, थर्ड ऑप्शन है BOB, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए SBI। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है 15 अप्रैल, सेकंड ऑप्शन है 17 अप्रैल, थर्ड ऑप्शन है 14 अप्रैल, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी 17 अप्रैल को विश्व होमोफीलिया दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान लॉन्च किया है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है ए बांग्लादेश, सेकंड ऑप्शन है नेपाल, थर्ड ऑप्शन है भारत, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी भारत। भारत ने ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस मोबाइल ऐप ने 13 दिनों में सबसे अधिक डाउनलोड किए जाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? फर्स्ट ऑप्शन है कोरोना केयर, सेकंड ऑप्शन है कोरोना कवच, थर्ड ऑप्शन है आरोग्य सेतु, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी आरोग्य सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में विश्व धरोहर दिवस कब मनाया गया है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 18 अप्रैल, फर्स्ट ऑप्शन है 16 अप्रैल, सेकंड ऑप्शन है 18 अप्रैल, थर्ड ऑप्शन है 15 अप्रैल, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, सॉरी गलती से ए पर ट्रिक लग गया था, इसका आंसर होगा बी 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में सरकार ने सभी डाक कर्मचारियों को कितने लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है? फर्स्ट ऑप्शन है 18, सेकंड ऑप्शन है 12, थर्ड ऑप्शन है 10, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, 10 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न वितरण का रिकॉर्ड किसने बनाया है? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है महाराष्ट्र, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? फर्स्ट ऑप्शन है राजस्थान, सेकंड ऑप्शन है बिहार, थर्ड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत सरकार ने कोविड-19 के मामलों में कितने प्रतिशत की कमी होने की घोषणा की है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है 26%, सेकंड ऑप्शन है 17%, थर्ड ऑप्शन है 40% और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है 18 अप्रैल, सेकंड ऑप्शन है 20 अप्रैल, थर्ड ऑप्शन है 19 अप्रैल, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, 20 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में अलग तरह का कोरोना वायरस किस जानवर में पाया गया है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है चूहा, सेकंड ऑप्शन है कुत्ता, थर्ड ऑप्शन है चमगादड़, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, चमगादड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में आप सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर आपदा प्रबंधन की किस धारा के तहत दंडनीय अपराध बनाया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है धारा 51B, सेकंड ऑप्शन है धारा 49C, थर्ड ऑप्शन है धारा 50D, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, धारा 51B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 रोगियों के लिए एयर इवैक्यूएशन पॉड तैयार कर लिया है? फर्स्ट ऑप्शन है ए, DRDO, सेकंड ऑप्शन है IIT बॉम्बे, थर्ड ऑप्शन है भारतीय नौसेना और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, भारतीय नौसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 19 अप्रैल, सेकंड ऑप्शन है 21 अप्रैल, थर्ड ऑप्शन है 20 अप्रैल, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, 21 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में सबको मुफ्त भोजन कार्यक्रम मिशन अन्न सेवा किसने शुरू किया है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है रिलायंस फाउंडेशन, सेकंड ऑप्शन है टाटा और थर्ड ऑप्शन है बिरला और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, रिलायंस फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में पृथ्वी दिवस कब मनाया गया है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है 20 अप्रैल,
जियो में 9.99% हिस्सेदारी खरीदी है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है ए फेसबुक, सेकंड ऑप्शन है बी टाटा, थर्ड ऑप्शन है सी और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किसने कोविड 19 के बारे में चेतावनी के लिए वॉस करो ऐप लॉन्च किया है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है DRDO, सेकंड ऑप्शन है नीति आयोग, थर्ड ऑप्शन है IIT दिल्ली और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, IIT दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य सरकार ने आपदा मित्र ऐप और हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है। फर्स्ट ऑप्शन है महाराष्ट्र, सेकंड ऑप्शन है कर्नाटक, थर्ड ऑप्शन है हरियाणा और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत ने किस देश को 23 टन आवश्यक दवाइयां भेजी है। फर्स्ट ऑप्शन है इटली, सेकंड ऑप्शन है नेपाल, थर्ड ऑप्शन है बांग्लादेश, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है 22 अप्रैल, सेकंड ऑप्शन है 24 अप्रैल, थर्ड ऑप्शन है 23 अप्रैल और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, 24 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संपर्क दीदी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, थर्ड ऑप्शन है उत्तराखंड, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में जम्मू कश्मीर का पहला कोरोना मुक्त जिला कौन बना है। फर्स्ट ऑप्शन है राजौरी, सेकंड ऑप्शन है पुलवामा, थर्ड ऑप्शन है पूंछ और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, पुलवामा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत की पहली कोविड 19 सैंपल कलेक्शन लैब की शुरुआत किसने किया है। फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर हर्षवर्धन, सेकंड ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है 23 अप्रैल, सेकंड ऑप्शन है 25 अप्रैल, थर्ड ऑप्शन है 24 अप्रैल और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी, 25 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन बना है। फर्स्ट ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है गुजरात, थर्ड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस देश ने कोरोना वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू किया है। फर्स्ट ऑप्शन है इटली, सेकंड ऑप्शन है UK, थर्ड ऑप्शन है फ्रांस और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बी, UK। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस देश ने FDI पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगा दिया है। फर्स्ट ऑप्शन है चीन, सेकंड ऑप्शन है भारत, थर्ड ऑप्शन है अमेरिका, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है 24 अप्रैल, सेकंड ऑप्शन है 26 अप्रैल, थर्ड ऑप्शन है 25 अप्रैल, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी, 26 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में
किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि लॉन्च किया है? फर्स्ट ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, थर्ड ऑप्शन है उत्तराखंड, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस बैंक ने खाता धारकों को इलेक्ट्रॉनिक कार्ड सुविधा देने की घोषणा की है? फर्स्ट ऑप्शन है नीति आयोग, सेकंड ऑप्शन है RBI, थर्ड ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य के लिए 82 मिलियन USD के ऋण की मंजूरी दे दी है? फर्स्ट ऑप्शन है हरियाणा, सेकंड ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश ने RBI के साथ $40 करोड़ की करेंसी एक्सचेंज करने की घोषणा की है? फर्स्ट ऑप्शन है चीन, सेकंड ऑप्शन है श्रीलंका, थर्ड ऑप्शन है बांग्लादेश, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य ने COVID-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट तैनात किया है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है हरियाणा, थर्ड ऑप्शन है केरल, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में RBI ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को कितने करोड़ रुपया देने की घोषणा की है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है 30,000, सेकेंड ऑप्शन है 20,000, थर्ड ऑप्शन है 50,000, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किसने विकासशील देशों के $1 ट्रिलियन से अधिक ऋण माफ करने की घोषणा की है? फर्स्ट वर्ल्ड बैंक, सेकंड UNCTAD, थर्ड ऑप्शन है ADB, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी UNCTAD। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दवाओं का होम डिलीवरी देने के लिए धनवंतरी योजना शुरू किया है? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तराखंड, सेकंड ऑप्शन है असम, थर्ड ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी असम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज़रूरतमंदों के मदद के लिए हेल्प मी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? फर्स्ट ऑप्शन है दिल्ली, सेकंड ऑप्शन है हरियाणा, थर्ड ऑप्शन है पंजाब, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में विश्व में सबसे ज़्यादा सैन्य व्यय करने वाला देश कौन बना है? फर्स्ट ऑप्शन है अमेरिका, सेकंड ऑप्शन है भारत, थर्ड ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, फोर्थ ऑप्शन छूट गया है, लेकिन इसका आंसर होगा ए अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस देश ने कोविड सेफ नामक कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है? फर्स्ट ऑप्शन है अमेरिका, सेकंड ऑप्शन है इटली, थर्ड ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारत ने किस देश को 1,00,000 हाइड्रोक्लोरोक्वीन टेबलेट और 50,000 सर्जिकल दस्ताने भेंट किया है? फर्स्ट ऑप्शन है बांग्लादेश, सेकंड ऑप्शन है पाकिस्तान, थर्ड ऑप्शन है श्रीलंका, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए बांग्लादेश। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो एक बार डिस्क्रिप्शन में चेक कर लें।
वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।